हेलो स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज चैप्टर नंबर 9th ऑफ योर साइंस बुक एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ओके, हेरिडिटी, हेरिडिटी का मीन होता है वंशानुगत, यानी कि जो हमें हमारे पेरेंट्स से जो मिलता है वो हमारी हेरिडिटी है। और इसका इवोल्यूशन यानी कि उद्भव कैसे हुआ है, तो साइंस के अंदर हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। We have seen that reproductive process give birth to new individuals that are similar but subtly different. हम ये पढ़ चुके हैं कि जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस होती है ना, वो एनिमल्स यानी कि अपने बच्चों को जन्म देने की जो प्रोसेस होती है वो उसके जैसे सिमिलर होती है। एंड वी हैव डिस्कस हाउ सम अमाउंट ऑफ वेरिएशन इज प्रोड्यूस इवन ड्यूरिंग ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम ये भी पढ़ चुके हैं कि जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसका एवोल्यूशन भी कैसे होता है, उसमें क्या क्या वेरिएशन पाए जाते हैं। एंड द नंबर ऑफ सक्सेसफुल वेरिएशन आर मैक्सिमाइज बाय द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ में ही बहुत सारे जो वेरिएशन होते हैं उसको मैक्सिमाइज किया जाता है। इफ वी ऑब्जर्व अ फील्ड ऑफ शुगर केन, अगर हम शुगर केन के फील्ड को ऑब्जर्व करते हैं, वी फाइंड वेरी लिटिल वेरिएशन अमंग द इंडिविजुअल्स प्लांट बट इन अ नंबर ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स विच रिप्रोड्यूस सेक्सुअली क्वाइट डिस्टिंक्ट वेरिएशन आर विजिबल अमंग द डिफरेंट इंडिविजुअल। तो आप देखेंगे कि अगर आपने शुगर केन प्लांट का जो स्पीशीज है आपने फील्ड में देखा है तो उसमें बहुत सारे वेरिएशन होंगे, कुछ छोटे होंगे पौधे, कुछ बड़े होंगे। ऐसे ही अगर एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स की बात करें, हम सब मैमिलियर ग्रुप में आते हैं बट कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, है ना। ओके, तो दीज आर द वेरिएशन फाइंड इन द डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल। इन दिस चैप्टर वी विल शैल डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म बाय विच वेरिएशन आर क्रिएटेड एंड इनहेरिटेड। जो वेरिएशन है ये किस प्रकार से किए जाते हैं और इसको किस प्रकार से इनहेरिट किया जाता है, यानी कि लिया जाता है। द लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन आर ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग पॉइंट टू बी कंसिडर। और बहुत सारे पॉइंट हम कंसिडर करते हैं कि लंबे समय तक इसके क्या क्या प्रभाव हमारे बॉडी के ऊपर होते हैं। एंड वी शैल बी स्टडिंग दिस अंडर एवोल्यूशन। तो ये सारे टॉपिक हम एवोल्यूशन के अंदर पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट टॉपिक, एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के टाइम पे हम कौन कौन से वेरिएशन को एक्यूमुलेट करते हैं या कि हम सीखते हैं या लेते हैं। इनहेरिटेंस फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन प्रोवाइड्स बोथ अ कॉमन बेसिक बॉडी डिजाइन एंड सबटल चेंजेस इन इट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। अगली जनरेशन के लिए कुछ जो बेसिक बॉडी डिजाइन होती है वो ऑल ऑर्गेनिज्म की सेम होती है। नाउ थिंक अबाउट व्हाट वुड हैपन व्हेन दिस न्यू जनरेशन इन इट्स टर्न रिप्रोड्यूस। और जब वो नई जनरेशन रिप्रोड्यूस होती है तो वो किस प्रकार के चेंजेस लाती है। द सेकेंड जनरेशन विल हैव डिफरेंसेस दैट दे इनहेरिटेड फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन। और उनके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं एज वेल एज न्यूली क्रिएटेड डिफरेंसेज। आपको ये पिक्चर में भी दिख रहा होगा 9.1 में कि किस प्रकार से वेरिएशन इसमें शो ऑफ किए गए हैं। फिगर 9.1 वुड represent the situation if a single individual reproduces as happen in asexual reproduction. Okay, अगर सिंगल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होता है एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ में ही, इफ वन बैक्टीरियम डिवाइड, और एक बैक्टीरिया डिवाइड करता है एंड देन द रिजल्टेंट टू बैक्टीरिया डिवाइड अगेन, तो एक के साथ वापस से टू बैक्टीरिया डिवाइड हो जाता है एंड द फोर इंडिविजुअल बैक्टीरिया जनरेटेड वुड बी वेरी सिमिलर। और वो आप पिक्चर में भी देख रहे हैं जो फोर बैक्टीरिया मतलब दिख रहे हैं जो आपको ये फोर सिमिलर है। ओके, एंड देयर वुड बी ओनली वेरी माइनर डिफरेंसेज बिटवीन दैम जनरेटेड ड्यू टू स्मॉल इन एक्यूरेसीज इन डीएनए कॉपिंग। और जो पेरेंट इंडिविजुअल जो होगा वो उसमें काफी फीचर्स सेम होंगे पेरेंट से। ओके, एंड जनरेटेड एंड हाउ एवर इफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इन्वॉल्व इवन ग्रेटर डाइवर्सिटी विल बी जनरेटेड। और अगर रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है तो बहुत ज्यादा वेरिएशन अपने को देखने को मिलता है। एज वी विल सी वैन वी डिस्कस द रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस, जब हम इनहेरिटेंस के रूल पढ़ेंगे तब और ज्यादा हम इन वेरिएशन को पढ़ेंगे। डू ऑल दीज वेरिएशन इन अ स्पीशीज हैव इक्वल चांसेस, क्या सारे के सारे जो वेरिएशन होते हैं स्पीशीज में सबका इक्वल चांसेस होता है। ओके, सर्वाइविंग इन द एनवायरमेंट इन विच दे फाइंड देमसेल्व, जिस एनवायरमेंट वे को एनवायरमेंट के अंदर वो अपने आप को देखते हैं क्या वो सेम होता है। ऑब्वियसली नॉट, नहीं। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ वेरिएशन डिफरेंट इंडिविजुअल वुड हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एडवांटेज। वेरिएशन के अकॉर्डिंग हर ऑर्गेनिज्म का अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग एडवांटेजेस होता है। जैसे कि अगर हम बैक्टीरिया की बात करें,
Bacteria that can withstand heat will survive better in a heat wave, as we have discussed earlier. जो bacteria है, अगर उसको heat अच्छा मिलेगा तो वो उस condition में जल्दी develop हो जाता है. जैसे कि अगर हम seasonal की बात करें, अभी rainy season ही हमारा चल रहा था, तो उस rainy season के bacteria बहुत जल्दी grow कर जाते हैं. Selection of variants by environmental factor form the basis of evolutionary process, as we will discuss in later section. आगे आगे हम और पढ़ेंगे कि environmental factors का क्या effect पड़ता है evolution के अंदर. ये कुछ आपको exercise दी हुई है, ये exercise questions आपको करने हैं. Next हम लेते हैं topic हमारा heredity. The most obvious outcome of the reproductive process still remain the generation of individuals of similar design. यानी कि हम बहुत ये पढ़ चुके हैं कि reproductive process के दौरान बहुत सारे जो characteristics होते हैं वो हमें हमारे parents से मिलते हैं. And the rules of heredity determine the process by which traits and characteristics are reliably inherited. और जो कुछ rules हैं ये हमें बताते हैं कि किस प्रकार से हम उन रूल्स को इनहेरिट करते हैं, यानी कि वो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं. लेट अस टेक अ क्लोजर लुक एट दिस रूल्स. अब कौन कौन से रूल हैं जिनके अकॉर्डिंग हम हमारे पेरेंट्स से सिमिलर होते हैं. तो फर्स्ट इज इनहेरिटेड ट्रेड्स. कुछ होते हैं इनहेरिटेड ट्रेड्स. व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस. वी नो दैट अ चाइल्ड बियर्स ऑल द बेसिक फीचर्स ऑफ ह्यूमन बींग्स. एक जो चाइल्ड होता है, बच्चा है, वो सारे के सारे फीचर्स गेन किए होता है अपने पेरेंट्स के जैसा. हाउ एवर इट डज नॉट लुक एग्जैक्टली लाइक इट्स पेरेंट्स एंड ह्यूमन पॉपुलेशन शो अ ग्रेट डील ऑफ वेरिएशन. वो अच्छे तरीके से अपने पेरेंट्स से ही कंसीडर करता है, पेरेंट्स जैसा ही वो लगता है. और अगर हम पूरी पॉपुलेशन की बात करें तो कुछ फीचर्स वो उसके सेम होंगे उनके पेरेंट्स से और कुछ उसके अलग होंगे. यहाँ पे आपको ईयर का एग्जांपल बताया है कि ईयर स्ट्रक्चर कैसा है. देखिए पेरेंट्स का ईयर स्ट्रक्चर कैसा है और स्टूडेंट उनके जनरेशन का जो है आगे का उनका जो ईयर है वो कैसा है. सेकंड रूल है रूल फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेस, मेंडल कंट्रीब्यूशन. हमारे एक जो साइंटिस्ट है मेंडल, उन्होंने एक नया रूल और बताया है इनहेरिटेंस का. वो है द रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ सच ट्रेट्स इन ह्यूमन बींग्स आर रिलेटेड टू द फैक्ट दैट बोथ द फादर एंड द मदर कॉन्ट्रीब्यूट प्रैक्टिकली इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल. जो मदर और फादर होते हैं वो दोनों का जेनेटिक मटेरियल दैट इज DNA वो पेरेंट्स के यानी कि स्टूडेंट जो होता है यानी कि जो उनका जो बेबी है, न्यू बॉर्न बेबी है, उनके अंदर सेम टू सेम कैरेक्टरिस्टिक्स उनके आते हैं. दिस मीन्स दैट ईच ट्रेट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ पैटर्नल एंड मैटर्नल DNA. उनके जो इन्फ्लुएंस होते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होते हैं एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो पैटर्नल और मैटर्नल दोनों में पाए जाते हैं. एंड थस फॉर ईच ट्रेट देयर विल बी टू वर्जन इन ईच चाइल्ड. इसीलिए हम कह सकते हैं कि एक चाइल्ड के अंदर दो वर्जन होते हैं, एक मदर का एक फादर का. व्हाट विल देन द ट्रेट सीन इन द चाइल्ड बी. तो जो जो चाइल्ड के अंदर जो ट्रेट हमें दिखते हैं वो कैसे होते हैं. सो मेंडल, हम सी बॉक्स आगे मेंडल का ट्रेट दिए हुए हैं वो हम देखेंगे. Worked out the main rule of such inheritance and it is interesting to look at some of his experiments from more than a century ago. बहुत ज़्यादा सेंचुरी की बात करें तो ये जो रूल्स थे बहुत इंटरेस्टिंग है. ओके जैसे कि देखिए जो मेंडल थे हमारे, इन्होंने एक अपना जो रूल है वो सबसे पहले उन्होंने ये पी प्लांट के ऊपर किया था. आपको पिक्चर में भी दिख रहा होगा कुछ टॉल और शॉर्ट पी के साथ इन्होंने मैचिंग किया तो जो हमें ट्री मिले वो ऑल टॉल ऑफस्प्रिंग्स उनको मिले. कैसे मिले देखिए हम रीड करते हैं. मेंडल यूज्ड अ नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर्स ऑफ गार्डन पी राउंड एंड रिंकल्ड सीड. जो इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स किए यानी कि जो क्रॉसिंग करवाई उन्होंने राउंड और रिंकल सीड्स के अंदर करवाई. कुछ प्लांट टॉल थे, शॉर्ट थे, वाइल्ड, कुछ व्हाइट और वॉयलेट फ्लावर्स थे एंड सो ऑन. ही टुक पी प्लांट विद डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. इन्होंने जो पी प्लांट लिया उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग थी. कैसे थे, कुछ टॉल प्लांट थे, कुछ शॉर्ट प्लांट थे एंड दे प्रोड्यूस प्रोजेनी बाय क्रॉसिंग दैम एंड कैलकुलेटेड द परसेंटेज ऑफ टॉल एंड शॉर्ट प्रोजेनी. उन्होंने टॉल और शॉर्ट प्रोजेनी के बीच में कैरेक्टरिस्टिक्स किया. देखिए आपको ये एक्टिविटी भी दिख रही होगी, इस एक्टिविटी के अंदर पूरा डिटेल में समझाया है कि कैसे टॉल के लिए हमने कैपिटल टी लिया है और शॉर्ट के लिए हमने स्मॉल टी लिया है. ओके और जब हमने जनरेशन को क्रॉस करवाया F1 into F1 तो देखिए जो प्रोजेनी मिली आपको वो कौन सी मिली, टॉल कैपिटल टी स्मॉल टी
और टॉल कैपिटल टी स्मॉल टी। और जो यहाँ पर देखिए F2 जनरेशन के जो अंदर जो आपको मिला है वो मिला है कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, वापस से कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। दैट मीन्स दीज आर द इनहेरिटेड कैरेक्टर्स ऑफ देयर पेरेंट्स। इन द फर्स्ट प्लेस देयर वर नो हाफ वे कैरेक्टरिस्टिक्स इन दिस फर्स्ट जनरेशन। जो जनरेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो हाफ नहीं थी। एंड और F1 प्रोजेनी नो मीडियम हाइट प्लांट। आप देखिए कोई मीडियम हाइट प्लांट नहीं था, सारे के सारे एक जैसे प्लांट थे। एंड ऑल प्लांट्स वर टॉल, और सारे के सारे जो प्लांट थे वो टॉल थे F1 के अंदर। ओके एंड ऑल प्लांट्स वर ऑल वॉज सीन नॉट सम मिक्सचर ऑफ द टू। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज वर द टॉल प्लांट इन द F1 जनरेशन एग्जैक्टली द सेम एज द टॉल प्लांट ऑफ द पेरेंट जनरेशन। वो एग्जैक्टली सेम था। एंड मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट टेस्ट दिस बाय गेटिंग बोथ द पेरेंटल जनरेशन बाय getting their characteristics feature of their parents. Mendel experiment tests by getting both the parental plants and these F1 tall plants to reproduce by self-pollination. Self-pollination ke saath mein hi wo plant ka generation hua. However, the second generation that is F2 progeny, okay, ye dekhiye aapko ye F2 progeny yahan pe dikh rahi hai, okay? To ye jo F2 progeny hai F2 wali, यहाँ पर दिस इंडिकेट दैट बोथ द टॉलनेस एंड शॉर्टनेस ट्रेट्स वर इनहेरिटेड इन द F1 प्लांट बट ओनली द टॉलनेस ट्रेट वॉज एक्सप्रेस। सिर्फ टॉलनेस जो ट्रेट है उसे एक्सप्रेस किया गया। एंड दिस लेड मेंडल टू प्रपोज द टू कॉपीज ऑफ फैक्टर नाउ कॉल्ड जीन्स, और उनको जीन्स कहा गया। कंट्रोलिंग ट्रेट्स आर प्रेजेंट इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, और सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये ट्रेट इनके आइडेंटिफाई किए गए। नाउ In this explanation, both capital T and small t, capital T are tall plants, while only small t is a short plant. So capital T was short t दी गए हैं। In other words, a single copy of T is enough to make the plant tall, while both the copies have to be T for the plant to be short. यानी कि जो small letter use किया गया है वो उसका recessive character है, वो डोमिनेंट नहीं है। और जो हमेशा जो कैपिटल लेटर होगा यूज किया होगा इस तरह के फिगर के अंदर आइडेंटिफिकेशन है, वो कैपिटल टी वो डोमिनेंस होगा। यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी की बात करें, जो कैपिटल टी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमेशा डोमिनेंट होंगे, वही शो ऑफ होंगे उस पेरेंट जनरेशन के अंदर। उनको हम डोमिनेंट ट्रेट्स कहते हैं और स्मॉल टी को हम रेसेसिव ट्रेट्स कहते हैं। ओके नेक्स्ट, इसमें आपको एक और एग्जाम्पल दिया है, ये आपको दिया है ये वाला। देखिए आप एग्जाम्पल पी प्लांट के अंदर एक रेशियो दिया हुआ है आपको क्रॉस फर्टिलाइजेशन और सेल्फ फर्टिलाइजेशन के अंदर F1 और F2 को जब हम क्रॉस करेंगे जनरेशन के अंदर तो आपको कौन सी प्रोजेनी मिलेगी। ओके तो 3:1 आपको मिलेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपको एक और कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है, राउंड और ग्रीन और रिंकल्ड और येल्लो प्लांट को, ठीक है, कैसे अपने को आइडेंटिफाई करना है। देखिए आप ये जो दिया हुआ है प्रोजेनी, ओके क्रॉस दिया हुआ है आपको, कैपिटल आर दैट इज यूज्ड फॉर राउंड एंड कैपिटल फाई यूज्ड फॉर ग्रीन, स्मॉल आर फॉर रिंकल्ड एंड कैपिटल वाई फॉर येलो। जब इन दोनों का हमने क्रॉस कराया तो फर्स्ट प्रोजेनी में हमें मिला कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर कैपिटल वाई। वापस से हमें जो F1 प्रोजेनी मिली वो कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यानी कि राउंड और येल्लो। अब जब राउंड और येल्लो यानी कि डोमिनेंस उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो राउंड, ओके राउंड डोमिनेंस कैरेक्टरिस्टिक्स में हमें देखने को मिलेंगे। ओके फिर हम ये पंजेंट स्क्वायर एक तैयार करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हम देखेंगे तो ये रेशो मिलेगा, वो हमें मिलेगा 9:3:3:1। क्रॉस मल्टीप्लाई हमें करना है तो टोटल मिलेगा वो 16 आपको कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे। तो इस प्रकार से हम जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। ओके तो दिस इज द एक्सपेरिमेंट, हाउ डू दिस ट्रेट्स गेट एक्सप्रेस। तो इस प्रकार से हम किसी भी ट्रेट को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके चिल्ड्रन, सो नेक्स्ट इज सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी कि कैसे हम सेक्स डिटरमाइन कर पाए कि आइदर बॉय है और गर्ल है। तो मेल का जो फीचर होता है, जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो एक्स होता है और वाई। ओके फीमेल के अंदर दोनों एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं। जब गैमेट्स इसमें से प्रोड्यूस होगा, मेल गैमेट एक्स जो है वो एक्स फीमेल के क्रॉस करेगा और वाई वापस एक्स वाई से ग्रो मैच करता है। जब एक्स एक्स प्रोजेनी आपको मिलती है यानी कि एक्स एस होता है तो फीमेल चाइल्ड डेवलप होता है, और जब एक्स वाई होता है तो मेल चाइल्ड डेवलप होता है। तो दैट मीन्स ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स के ऊपर। ओके एंड बेसिकली मेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द
male child, not female. Okay. Now next topic is our evolution, यानी कि उद्भव. कैसे इन characteristics features जो आते हैं, इनका उद्भव कैसे हुआ, कैसे illustration है. तो first हम देखते हैं कि illustration, एक example आपको दिया हुआ है. यहाँ पर consider a group of 12 red beetle. एक 12 red beetle का group दिया हुआ है आपको. They live, let us assume, in some bushes with green leaves. जो कुछ है वो ग्रीन लीव्स वाले प्लांट के अंदर रह रहे हैं, ठीक है. एंड देयर पॉपुलेशन विल ग्रो बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और जो उनकी पॉपुलेशन है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ग्रो कर रही है. एंड दे कैन जनरेट वेरिएशन. लेट अस इमेजिन ऑल्सो दैट क्रोज ईट दीज बीटल. अब जो क्रो है, दिख रहे हैं आपको पिक्चर में, जो क्रो है वो बीटल्स को खा रहे हैं. अब ग्रीन प्लांट के ऊपर अगर रेड बीटल है तो क्लियरली दिख जाएगा आपको. एंड लेट अस थिंक अबाउट सम डिफरेंट सिचुएशन दैट कैन डेवलप इन दिस बीटल पॉपुलेशन. अगर सारे के सारे ग्रीन है तो, और प्लांट भी ग्रीन है, तो इजिली आप उसको आइडेंटिफिकेशन, यानी कि जो क्रो है वो इजिली आइडेंटिफाई.